फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी चाट। ये मैदे की बनी चाट है फ्रेंड, ये घर की बनी चाट है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और आप देख रहे हैं इसकी एक एक चीजें कितनी सुंदर लग रही हैं। बहुत ही सुंदर चाट हमने घर पे बना के रेडी किया, झटपट बन के रेडी हो जाती, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। मार्क, जब आपका चाट खाने का मन हो तो आप इस चाट को घर पे बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये घर के इंग्रेडिएंट्स है, झटपट बन के रेडी है। तो आपको मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं। आज ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं मैदे से बनी है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर दिखने वाली कटोरी चाट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फूड विद टिप्स में। आज हम आपको चाट बनाना बताने जा रहे हैं फ्रेंड, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लुक है और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कप मैदा लिया है, ये बड़े कप से हमने लिया है। इसे डालेंगे किसी बड़े बाउल में जिसमें हम इसे गूंथ सकें। तो यहाँ पे हमने बड़ा बाउल लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, तो एक चम्मच यहाँ पे नमक डाल दूंगी। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, दो से तीन बड़े चम्मच, और इसे मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे अजवाइन नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कटोरी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड, उसमें अजवाइन दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं अजवाइन यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो बना के रेडी करेंगे। जैसा कि हम पूड़ी का आटा गूंथते हैं वैसा ही सख्त डो बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने आटा गूंथ के रेडी कर लिया, ये डो हमारा रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा पूड़ी के जैसा सख्त डो चाहिए। इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 मिनट बाद इससे हम कटोरी बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, आटा खोलेंगे और इससे हम कटोरी बनाना शुरू करेंगे। तो इसे एक बार हम और मसल देंगे हल्के हाथ से। ये देखिए आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इसमें अब हम लोई बना लेंगे, जितनी छोटी बड़ी कटोरी आप बनाना चाहें। तो फ्रेंड छोटी बड़ी कटोरी के हिसाब से हम लोई तोड़ लेंगे। यहाँ पे हम मीडियम साइज की लोई तोड़ेंगे, जैसे कि हम रोटी की लोई लेते हैं। इतने में हमारी 5 से 6 कटोरियां बनके रेडी हो जाएंगी। ये देखिए मैंने मीडियम साइज की लोई तोड़ लिया है। एक लोई उठाएंगे, बाकी की लोई हम ढक के साइड में रख देंगे। इसे हाथ से गोल करेंगे, जैसा कि हम पूड़ी बनाते हैं वैसा ही बेल के रेडी करेंगे। तो हम इसे बेल की सहायता से बेल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हमने बेल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड हमने इसे पूड़ी के बराबर बेल के रेडी कर लिया है। अब इसे हमें काटना है, इसमें पतले पतले स्ट्रिप काटने हैं फ्रेंड। तो ये बचा हुआ ये साइड का हिस्सा हम हटा देंगे और इस तरीके से पतला पतला हम स्ट्रिप्स काट के तैयार करेंगे, जिससे कि अभी हम कटोरी बनाएंगे। तो इस तरीके से सारे पीस हम पतले पतले काटेंगे और रेडी कर लेंगे। इसे काट काट के हम एक प्लेट में लगा लेंगे फ्रेंड, इस तरीके से। ये देखिए हमने सारे काट लिए हैं और ये बचा हुआ हिस्सा रख देंगे, दूसरे पार्ट में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से उठा उठा के हम एक प्लेट में लगाते जाएंगे। सारे स्टेप्स हमने प्लेट में रख लिया। अब हम लेंगे कटोरी। तो यहाँ पे छोटी बड़ी कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे छोटी कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि कटोरी में जब हम चाट बनाएंगे तो सुंदर लगेंगे छोटे छोटे चाट। इस तरह से हम एक पीस उठाएंगे रखेंगे और ये बीच में हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। दूसरा पीस उठाएंगे रखेंगे और फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे, ताकि ये जो हम चटाई बुने वो फूले नहीं तेल में फ्राई करते वक्त। इस तरीके से हम पानी लगाते हुए क्रॉस बनाते जाएंगे। 4 से 5 स्टेप्स आराम से लग जाएंगी इस तरीके से। ये देखिए हमने लगा लिया। अब हम चटाई बुनेंगे। तो चटाई बुनने के लिए सबसे पहले हम एक पीस उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम एक इस तरह से लगाएंगे स्टेप, और ये दबा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी पानी लगा के हल्का सा दबा देंगे इस तरीके से फ्रेंड, ये हमारा दबा रहेगा। अब ये नीचे वाला हिस्सा उठाएंगे और इसके ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। अब इसे हम फिर से ऊपर कर देंगे और इसे हम नीचे छोड़ देंगे। ये वाला पीस उठाएंगे और इसके नीचे लेके आएंगे। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमें करना है। अब ये वाला उठाएंगे और ये देखिए इसी तरीके के इसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम बना के ले आएंगे।
और ये जब हम पास में पहुंच जाएंगे तो यहाँ से हम इसे तोड़ देंगे इस तरीके से, और इसी में हम ज्वाइंट कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर दिया। अब दूसरी स्ट्रिप उठाएंगे और फिर से वैसी प्रोसेस को अपनाते हुए हम बुनेंगे। ये वाला पीस उठाएंगे, इसके नीचे हम लगाएंगे। अब इसे हम नीचे कर देंगे, इसे हम दबा देंगे और ये वाला उठाएंगे। अब इसे नीचे करेंगे, इसी को दबाना है, ये वाला उठाना है। ये देखिए इसी तरीके से बुनते हुए हमें लेके जाना है फ्रेंड। और ये लास्ट में फिर उसी में हम जोड़ देंगे, थोड़ा सा पानी लगा के इस तरीके से उसी में जोड़ देंगे। ये देखिए चटाई नुमा कटोरी बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से पूरी हम बुन के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप और लगेगी तो उसे भी हम लगा के बुन लेते हैं। ये लास्ट हमारी लगेगी, बाकी कटोरी हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए कि हमने उठाया ये, इसको हम उठाए रहेंगे और अब इसे उठाएंगे, इसको दबाए रहेंगे। इसी तरीके से बुन के हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक कटोरी बन के रेडी है। बचा हुआ पार्ट हम काट देंगे चाकू से इस तरीके से। तो बचा हुआ पार्ट हम इस तरीके से सारे हटा देंगे फ्रेंड, काट के निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से घुमा के, इसे हम साइड में रख देंगे, दूसरे पीस में इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरा काट दिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये हम जब फ्राई करेंगे तो खुल नहीं जाए। इस तरह से हम थोड़ा सा हल्के हाथ से दबा देंगे। जब अभी हम तेल में डालेंगे तो अपने आप कटोरी निकल के बाहर आ जाएगी। तो इसे हल्के हाथ से दबा दें, डरे नहीं वरना ये खुल जाएंगे। तो ये देखिए हमारी कटोरी बनके तैयार है। इसी तरीके से बारीक बाकी की कटोरियां हम बना बना के तैयार कर लेंगे और फ्राई करेंगे। तो मैं 4-5 कटोरी बना लेती हूँ, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे 4 कटोरियां बना के रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया। इसमें एक छोटा सा पीस डालेंगे और चेक करेंगे तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल अभी थोड़ा कम गर्म हुआ है तो इसे थोड़ा सा और गर्म होने देंगे। इसे मीडियम गैस पे ही सेकेंगे ताकि कटोरियाँ हमारी बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी हों। तो थोड़ा सा और गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम कटोरियों को फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया है। अब एक एक कटोरी हम डालेंगे तेल के अंदर और इन्हें फ्राई होने देंगे। यहाँ पे गैस हमने मीडियम कर रखी है। एक या दो कटोरी आराम से आ जाएं जितनी, उतनी हम डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो मैं 2 से 3 कटोरी यहाँ आराम से फ्राई कर सकती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया तेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमने छोटी कटोरियों का इस्तेमाल किया है, और इन्हें फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड कटोरी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब हमारी कटोरी लग रहा है थोड़ी सी फ्राई हो गई है। तो कटोरी हमारी बहुत आसानी से निकल जाती है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे कटोरियों को। ये देखिए जब फ्राई हो जाती है तो कटोरियाँ बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं बाहर। इसी तरीके से कटोरियाँ बाहर निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड कटोरी बाहर निकल रही है। इसी तरीके से तीनों कटोरियाँ बाहर निकाल लेंगे और ये कटोरियाँ फ्राई हो गई हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी चारों तरफ से बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं और आप देख रहे हैं कटोरियाँ बनके हमारी रेडी हैं। तो सारी कटोरियाँ इसी तरीके से बना बना के फ्राई कर लेंगे। ये वाली अभी थोड़ी कम पकी है इसलिए ये कटोरी नहीं छोड़ रही है। अभी ये हम इसी तरीके से निकाल के बाहर रख लेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी कटोरी हमारी फ्राई हो गई है। इसको भी फ्राई कर लेंगे, ये थोड़ी कम पकी है। तो ये देखिए फ्रेंड ये कटोरी भी निकलने वाली है। तो इसको भी हम चिमटे से पकड़ के उठा लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसानी से ये तेल छोड़ देती है तो इसे भी हम उठा के रख देंगे साइड में और दूसरी कटोरी इसी में बना लेंगे। इसे पलट के हम थोड़ा सा इसे इधर से भी क्रिस्पी कर लेंगे। और ये देखिए बहुत जल्दी ये कटोरियाँ क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी फ्राई हो जाती हैं। इस तरीके से पलट पलट के हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे।
इसी तरीके से सारी कटोरियां हम सेक के रेडी करेंगे फ्रेंड। ये देखिए ये कटोरी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी हम तेल से बाहर निकालेंगे और इसी तरीके से सारी कटोरियां फ्राई करके हम ले लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी कटोरियों को हमने बना के फ्राई करके ले लिया है और आप देखिए एक एक कटोरी कितनी प्यारी और कितनी सुंदर फ्राई हुई है। हमने छोटी कटोरी का इस्तेमाल किया था, आप यहाँ पे बड़ी कटोरी भी ले सकते हैं, जितनी छोटी बड़ी आप बनाना चाहें। एक एक कटोरी मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी कटोरियाँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी फ्राई होके ले लिया है। तो चलिए अभी से हम सर्व करने के लिए सर्व करते हैं। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे हम, उसमें रखेंगे कटोरियाँ इस तरीके से, जितनी कटोरी आप एक साथ सर्व करना चाहें आप उसी उतनी ही सर्व करें, जितनी की आपको सर्व करनी है उतनी ही तैयार करें फ्रेंड, वरना ये कटोरियों का क्रिस्पी खत्म हो जाएगा क्रिस्पनेस। तो आप सर्व करते समय ही इसमें सारी चीज़ें डालें। तो फ्रेंड कटोरियों को हमने रख लिया है प्लेट में रख के हम अभी इसे सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैं, तो फ्रेंड ये देखिए हमने प्लेट में कटोरियां लगा लिया है। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी फ्रेंड, जब आप कटोरियों को सर्व करें तभी इनको इसमें स्टफिंग डालें, वरना कटोरियां हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो जब आपको सर्व करना हो तभी स्टफिंग इसमें भरें। तो चलिए अब हम इसमें स्टफिंग भर लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे हम आलू के कुछ पीस, सारी कटोरियों में डाल देंगे, यहाँ थोड़े थोड़े आलू डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आलू डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़े थोड़े प्याज बारीक कटा हुआ, अगर प्याज आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं फ्रेंड, अगर खाते हैं तो चाट में प्याज बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से प्याज डाल देंगे। अब डालेंगे थोड़े थोड़े टमाटर, टमाटर भी चाट में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो हम थोड़ा थोड़ा टमाटर डाल देंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये सारी चीजें तो हमने डाल लिया फ्रेंड। अब आई चटनी की बारी, तो यहाँ पे डालेंगे हम इमली की खट्टी मीठी चटनी थोड़ी थोड़ी इस तरीके से, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट में। चाट तो इमली की चटनी के बिना अधूरी होती है, तो जब भी आप चाट बनाए तो इमली की चटनी जरूर डालें। आप इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने बहुत पहले डाल दिया था। अब डालेंगे हरी चटनी, तो थोड़ी थोड़ी हरी चटनी डाल देंगे। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने डाल रखी है। कई तरीके की चटनियों की हमने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला है, आप जो तरीका देखना चाहें, जिस तरीके की चटनी बनाना चाहें वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे। हमने बहुत सारे तरीके की चटनियाँ डाल रखी है। तो ये देखिए हमने हरी चटनी डाल लिया है। अब डालेंगे दही, तो यहाँ पे हमने दही को फेंट के लिया है फ्रेंड। इसमें हमने हल्का सा नमक और हल्की सी चीनी डाली है, चाट वाली दही में हमेशा हल्की सी चीनी और हल्का सा नमक डालना चाहिए, तभी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमने फेंट के हल्का सा नमक चीनी डाल के ले लिया है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे दही आधा आधा या एक एक चम्मच सारी कटोरियों में। ये देखिए अब इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे डालेंगे नमकीन, तो नमकीन आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मिक्स नमकीन डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी नमकीन से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। तो सारी कटोरियों पर थोड़ी थोड़ी नमकीन डाल देंगे। ये देखिए हमने नमकीन डाल लिया है। अब डालेंगे थोड़ी सी हम रायते वाली बूंदी, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका चाट में। तो बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे रायते वाली बूंदी डाल देंगे हम सारी कटोरियों के ऊपर हमें डालना है। ये देखिए हमने बूंदी डाल दिया और अब देखिए बहुत ही सुंदर चाट लग रही है। अब आई मसालों की बारी, तो थोड़े थोड़े हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले सादा नमक थोड़ा थोड़ा, हमने चटनी में भी नमक डाला था तो बहुत थोड़ा थोड़ा नमक डालेंगे, और दही में भी हल्का सा नमक है, और भुना हुआ जीरा डालेंगे एक एक पिंच, सारी चाट पे हम डालेंगे इस तरीके से। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा थोड़ा, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं फ्रेंड। ये देखिए हमने लाल मिर्च पाउडर थोड़े थोड़े डाल दिए हैं,
एंड में डालेंगे चाट मसाला और ये कंप्लीट चाट हमारी बनके रेडी है। आप देख रहे हैं, इसे देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा चाट मसाला हमने सभी पे डाल दिया है। एंड में डालेंगे बारीक सेब। तो यहाँ पे बिल्कुल एंड में हम डाल रहे हैं बारीक वाले सेब, थोड़े थोड़े ये भी डाल देंगे। और अब देखिए चाट हमारी बनके रेडी है फ्रेंड। कितनी प्यारी, कितनी टेस्टी चाट देखने में लग रही है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी लगती है ये। आप देख रहे हैं चाट हमारी बनके रेडी है। तो बिल्कुल एंड में हम थोड़ा सा इसे लुक देने के लिए डालेंगे हरी चटनी। इससे बहुत अच्छा लुक आएगा हमारी चाट का, थोड़ा थोड़ा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे लाल चटनी। बस हम इसे सजाने के लिए डाल रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि सारी चीजें हमने पहले ही डाल रखी है। तो आप चाहे तो डालें चाहे तो नहीं, मैं इसे सजाने के लिए डाल रही हूँ। अब हम थोड़ा थोड़ा सा दही रख देंगे इस तरीके से, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, सिर्फ सजाने के लिए रख रही हूँ। एक एक हम मूंगफली रख देंगे, मसाला मूंगफली। इसकी जगह आप अनार भी रख सकते हैं, अनार के दाने छील के। और ये देखिए हमारी कंप्लीट चाट बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी चाट बनी है फ्रेंड, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो मैंने तो सर्व कर लिया, आप भी बनाइए और आप भी इंजॉय कीजिए। तो देखिए फ्रेंड चाट बनके रेडी है। तो इसे गर्मा गर्म चाट हमने बना लिया है, अब इसे हम सर्व करेंगे। इसे ज्यादा देर तक सर्व करने के बाद रखेंगे नहीं फ्रेंड, वरना इसमें जो क्रिस्पीपन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चटनियां और टमाटर आलू सभी चीजें डाली है स्टफिंग के लिए, तो ये सॉफ्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इसे भरने के बाद, स्टफिंग डालने के बाद तुरंत इसे सर्व कर लीजिए। तो मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज, अगर नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो एंड में लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो अनलाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगे ऐसे ही किसी टेस्टी अच्छी डिश के साथ। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी फ्रेंड्स को कीमती समय देने के लिए थैंक्स।